तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब कि जो महंगा स्मार्टफोन होते हैं 10,000, 15,000, 20,000 के, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशल मैं बना रहा हूँ। दोस्तों, नोकिया ने लॉन्च कर दिया दो फीचर 4G फोन, जो कि आप लोगों को करीब 3,000 से लेके 3,500 की रेंज में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये फीचर फोन है, लेकिन 4G करके ये लोग लॉन्च किए हैं। नोकिया 215 और 225 नाम से आता है दोस्तों, 4G डिवाइस है। सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों, इंडिया में कब मिलने वाला है सब कुछ बताऊंगा, इसका प्राइस क्या होने वाला है इंडियन मनी में वो भी पता चल जाएगा, और क्या क्या फीचर मिल रहा है सब कुछ आप लोगों को ऑनेस्ट ओपिनियन करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो में फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल में अगर आप लोग नए हो तो टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑन कीजिए। दोस्तों, तो मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन होने वाला है उन लोगों के लिए जो फीचर स्मार्टफोन यूज करते थे, मतलब कि आज से लेकर 8-10 साल पहले आप लोग अगर यूज करते थे फीचर फोन, तो वो फोन के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों, ये जो फोन होने वाला है दोस्तों नोकिया का, ये कीपैड फोन होने वाला है, जो कि फीचर फोन होता है, जैसे नोकिया और सैमसंग वाले प्रोवाइड करते हैं वैसा ही ये स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, इसको 4G करके ये लोग लॉन्च किए हैं चाइना में, बहुत ही जल्दी आप लोगों को नोकिया की तरफ से इंडिया में भी देखने के लिए मिल जाएगा। पहले इस फोन के बारे में कुछ डिटेल्स में बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें आप लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है और कितना प्राइस मिल रहा है लास्ट तक वीडियो में बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए दोस्तों, वीडियो पे लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसके फीचर के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑल ओवर दोस्तों, ये जो फीचर स्मार्टफोन होने वाला है, इसका जो डिस्प्ले रहेगा 2.4 इंच का LCD डिस्प्ले रहने वाला है दोस्तों, जो कि HD+ वाला दोस्तों LCD डिस्प्ले जैसे होता था पुराने मोबाइल्स में, वैसा ही डिस्प्ले आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ डुअल नैनो सिम का सपोर्ट भी आप लोगों को इसमें मिल जाता है। इसमें आप लोगों को 4G वोल्टी और LTE मोड भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में यार धमाकेदार चीज़ है। 4G इसमें आप लोगों को दे दिया गया है नोकिया की तरफ से, वैसे कैसे किया इन लोगों ने मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसे छोटा फीचर फोन में 4G आप लोगों को फैसिलिटी मिलता है, जैसे कि जियो फोन होता है वैसा ही आप लोगों को पूरा देखने के लिए इसमें फीचर्स मिल जाएंगे। तो नोकिया 215 4G एंड 225 4G दोनों ही 4G डिवाइस होता है। यहाँ पे आप लोगों को 2.4 इंच का LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, मोटा सा बेजल भी है दोस्तों, उसके अंदर आप लोगों को डिस्प्ले देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दोनों ही फोन्स में 3.5mm ऑडियो जैक देखने के लिए मिल जाएगा, वायरलेस FM रेडियो का कनेक्टिविटी भी यहाँ पे आप लोगों को मिलता है, एंड आप लोगों को MP3 प्लेयर भी इस डिवाइस में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। देन बात करें यहाँ पे आप लोगों को कैमरा मिलता है कि नहीं, तो यहाँ पे दोस्तों 215 जो मॉडल है इसमें आप लोगों को कैमरा पीछे के साइड में देखने के लिए नहीं मिलता, जो 225 4G वाला मॉडल है उसमें आप लोगों को पीछे के साइड में एक VGA कैमरा देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों, एक फ्लैश भी देखने के लिए मिलता है 225 डिवाइस के अंदर। पीछे के साइड में आप लोगों को एक स्पीकर ग्रिल भी देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप लोगों को आराम से स्पीकर साउंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा निकल के आता है। देन बात करें दोस्तों ब्लूटूथ सपोर्ट के बारे में, तो ब्लूटूथ सपोर्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, माइक्रो USB पोर्ट है। बात करें बैटरी के बारे में, तो 1200mAh का आप लोगों को बैटरी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि इस ख्याल से ठीक है दोस्तों, छोटा फोन में छोटा ही बैटरी आप लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को T9 कीबोर्ड फीचर देखने के लिए मिल जाएगा, जो स्टेपेबल कीबोर्ड होता है दोस्तों। वैसे कीपैड फोन्स में आप लोगों को जो कीबोर्ड देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल वही कीबोर्ड आप लोगों को नोकिया 225 एंड 215 4G डिवाइस में देखने के लिए मिल जाएगा। देन बात करें दोस्तों यहाँ पे रैम एंड स्टोरेज वेरियंट के बारे में, तो स्टोरेज वेरियंट अभी तक मुझे पता नहीं चला है, लेकिन रैम यहाँ पे आप लोगों को 18MB का रैम देखने के लिए मिल जाता है। सोचने वाली बात है यार, इन दिनों में 18MB का रैम अब चलता है कि नहीं ये तो मालूम नहीं, 4G में कैसे चलेगा, हैंग लैग वगैरह आप लोगों को दिखने के लिए, क्योंकि आप लोग इसमें गेम तो खेल ही नहीं सकते बिल्कुल, ऐसे आप लोगों को सिंपल यूज मतलब कॉलिंग ऐसे वगैरह आप लोग यूज करते हो वैसे आप लोग इसको यूज कर पाओगे। तो 18MB का रैम आप लोगों को मिलता है, माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट है, 32GB तक आप लोग इसको एक्सपांड कर सकते हो, स्टोरेज फैसिलिटी यूज कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को सारा कुछ फीचर देखने के लिए मिल जाएगा, नॉस्टैल्जिया एवोक और सारा कुछ नोकिया का जो क्लासिक फीचर्स होते हैं, स्नेक गेम्स वगैरह, और यहाँ पे बैट बॉल फुटबॉल सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों डिवाइसेस में आप लोगों को प्राइमरी डिफरेंस कौन से देखने के लिए मिलते हैं, तो यहाँ पे एक ही प्राइमरी डिफरेंस मिलता है, बिल्कुल दोनों डिवाइस एक ही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नोकिया 225 डिवाइस में आप लोगों को एक VGA स्नैपर वाला कैमरा देखने के लिए मिलता है विथ LED फ्लैश,
जो कि Nokia 215 डिवाइस में देखने के लिए नहीं मिलता। तो यही दोनों डिवाइस में आप लोगों को कंपैरिजन देखने के लिए मिलता है, अदरवाइज ये दोनों डिवाइस एकदम सेम टू सेम है। तो चाइना में लॉन्च हो गया दोस्तों, इंडिया में लगभग एक दो महीने के अंदर आ जाएगा। आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, ये डिवाइस आने के बाद आप लोग क्या इसको अदरवाइज प्राइमरी डिवाइस को छोड़ के सेकेंडरी डिवाइस में यूज करोगे? और इसका प्राइस के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों, ये जो दोनों डिवाइस है दोस्तों करीब करीब 3000 से लेके 3500 के बीच में आप लोगों को इंडियन मार्केट में मिल जाएगा। तो दोनों डिवाइस कैसा लगा आप लोग जरूर बताना दोस्तों, और कॉमेंट करके जरूर बताना दोस्तों ये दोनों डिवाइस आप लोग सेकेंडरी डिवाइस के हिसाब से यूज करोगे इसको आने के बाद, क्या आप लोग परचेज करोगे? तो डू लेट अस कॉमेंट बिलो दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताना दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और टेक्नोलॉजी में नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करके रखना। मिलते रहेंगे दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस लेके, आज के लिए इतना ही दोस्तों, सबका दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।